थी और स्कूल की ड्रेस पहनी थी। और अब भी बार बार होश जब आता है तो मुझे डॉक्टर साहिबान ने बताया वो स्कूल की ड्रेस मांगती है। तो जब ऐसा था तो उसे भिखारी कहकर पूरे मामले को रफा दफा करने का षड्यंत्र क्यों किया गया? इन सारी बातों का जवाब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सामने आकर देना चाहिए। सच्चाई ये है कि मध्य प्रदेश में दलित और आदिवासियों की संज्ञा अब इंसान के बराबर नहीं रही। सबसे ज्यादा दलितों और आदिवासियों पर अत्याचार, हमारी बेटियों से अनाचार मध्य प्रदेश में भाजपा शासन में हो रहे हैं। क्यों शिवराज सिंह चौहान ने और उनकी सरकार ने ये बात छुपाई कि ये बेटियां सतना की एक दलित बेटी थी? इन सब का जवाब देना चाहिए। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने बिटिया के परिवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से एक छोटी सी आर्थिक मदद 5 लाख रुपए की देने का निर्णय किया है, जिसे हमारे अध्यक्ष यादव साहब और सरदार सुरजीत सिंह उनका परिवार जैसे ही आएगा उन तक पहुंचाएंगे। हमने डॉक्टर साहिबान को ये भी कहा, कमलनाथ जी ने, मैंने गुड़गांवा और दिल्ली के सब प्राइवेट अस्पतालों से भी बात कर ली और हम निःशुल्क इलाज के लिए उस बिटिया